गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छा ये बताइए कि आज जब मॉर्निंग में सुबह उठे तो आपने गुड मॉर्निंग विश किया सबको, अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोला? हाँ, क्यों? रोज़ गुड मॉर्निंग विश करना है ताकि आपको जो भी आपसे सुने कि रोज़ बच्चा गुड मॉर्निंग बोलता है तो आपको क्या बोलेगा कि अच्छे बच्चे हैं, और जब हम सोते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड नाइट। अगर हमारे आसपास कोई एंटी रहती है या कोई जाता है तो हमें उनको भी रोज़ बोलना होता है कि नमस्ते, या फिर गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। अगर आपको सुबह दिखती हैं तो गुड मॉर्निंग, या फिर आप नमस्ते ही बोल सकते हैं। तो क्या करना है, ये आपको रोज़ बोलना है रेगुलर, ताकि आप बोले तो आपको कहें कि ये अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए हम आज अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, नर्सरी क्लास की स्टडी शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपकी बुक है ना, कितनी सुंदर दिख रही है बुक, बहुत अच्छी दिख रही है ना। चलिए हम इसका नाम पढ़ते हैं कि हमारी बुक की क्या नाम है, प्ले विद पैटर्न्स। क्या नाम है बुक का? प्ले विद पैटर्न्स। इसमें क्या है, हम खेल के जरिए ही काम करना सीखेंगे ना सब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर हमारे बुक में फर्स्ट चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या है तो हम क्या सीखेंगे इसमें। देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो है स्टैंडिंग लाइन, क्या है क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन किसे बोलते हैं? जो कि सीधी सी लकीर होती है। कैसी? सीधी सी। आपके घर में भी होगी ना सीधी सी कोई चीज़ें, देखा होगा आपने घर में भी। तो हम अब क्या सीखेंगे, हम पेंसिल से ही अपने बुक पे सीधी सी लकीर बनाएंगे ना सभी। तो चलिए हम स्टार्ट करें। कैसे करना है, ये आपकी पेंसिल दिख रही है ना, तो क्या करना है कि हमारी राइटिंग गंदी ना हो, तो हम इससे सबसे पहले क्या कर लेंगे, पेंसिल को शार्प कर लेंगे ताकि हमारी राइटिंग गंदी ना हो। और हम पेंसिल को किसे पकड़ेंगे, कोई क्या करते हैं कि ऐसे पकड़ लेते, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ना, आपको जो आपकी पेंसिल दिख रही है इस तरीके से पकड़ना है पेंसिल को, ताकि आपकी जो नोखिन दिख रही है शार्प की हुई वो आपको प्रॉपर दिखे और अच्छे से। तो ऐसे आपने टाई कर लिया, पकड़ लिया, और देखिए आपको फ्लैग दिख रहे हैं ना, आपको ये सारे फ्लैग। तो हम पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको फ्लैग दिख रहा है और आपको डॉट दिख रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इस डॉट को एक दूसरे से मिलाएंगे और सीधी लकीर खींचेंगे। तो चलेंगे करेंगे ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पहले फर्स्ट डॉट से स्टार्ट किया, शुरू किया करते नीचे आए, अब सीधी लकीर खींचनी है, कहीं पे भी टेढ़ी नहीं करनी, नहीं अगर टेढ़ी कर देंगे तो क्या होगा, वो हमारी लकीर टेढ़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सीधी लकीर खींचना है। पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले ऊपर वाली पॉइंट से स्टार्ट करना है। क्या करना है आपको, ऊपर से ले जाकर नीचे तक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। पहले ऊपर वाली डॉट से स्टार्ट करेंगे, नीचे से नहीं करनी, आपको ऊपर से स्टार्ट करनी है, सीधी लकीर खींचनी है, सुंदर सी, वेरी गुड, सीधी लकीर लेके जानी है सीधी। हाँ, जैसे ही आप सीधी लकीर खींचते हैं तो ये क्या आपकी कहलाते हैं, स्टैंडिंग लाइन। अगर आपने टेढ़ी भी कर दी तो क्या होगा, वो आपका गलत माना जाएगा, तो इसलिए क्या करना है आपको, स्टैंडिंग लाइन करनी है। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आप घर पे खुद बैठ के किसी को परेशान नहीं करना, आपकी सुंदर सी बुक होगी, बुक में ही आपको ये वर्क करना है। सबको क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक जहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही है डॉट, वहाँ से ख़त्म करना है, शुरू से स्टार्ट करना है और एंड में ख़त्म करना है। तो क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन बनानी है सबकी, सीधी सी लकीर। जब आप सीधी सी लकीर करना सीख जाओगे तो हम आगे भी कई वर्क करेंगे अपनी बुक में, करेंगे ना। तो चलिए आज आपकी क्लास ख़त्म करते हैं, जब अगली नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको हम वीडियो कॉलिंग द्वारा, लाइव क्लास द्वारा देखेंगे आपका ये वर्क।